हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फैक्ट लाइट्स। सो दोस्तों, आज हम बात करने हैं पतले होने की ट्रिक्स के ऊपर। क्या आप भी बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो और आप पतला होना चाहते हो? आपने बहुत सारे तरीके, जिम, एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ ट्राई करा पर आप नहीं हो पा रहे हो, तो हम आपके लिए लाए हैं एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक जिससे आप पतले हो जाओगे। सो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि पिज़्ज़ा खाइए और पतले हो जाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा आपको पतला करने वाला है। तो आप लोगों को शायद बहुत ही गुस्सा आ रहा कि क्या पागल हो गए हो क्या, पिज़्ज़ा खाने से क्या कोई पतला होता है? तो अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। हम आपको सच में बताने वाले हैं पिज़्ज़ा आपको कैसे पतला करेगा, तो पूरी वीडियो तो देख लो। तो बेसिकली आप जो तरीका है ना पिज़्ज़ा खाने का, वो आपका गलत है। द वे यू ईट पिज़्ज़ा इज़ रॉन्ग। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको पिज़्ज़ा खाना कैसे है। उसे उस तरीके से अगर आप खाओगे ना और अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करोगे, तो आप लिटरली पतले होने वाले हो। बिलीव मी फ्रेंड्स, बिलीव मी। तो चलते हैं आगे। सो पुर्तगाल में एक रिसर्च हुई थी, जो कि रिसर्च मेंस हेल्थ आर्टिकल में पब्लिश हुई थी। उसमें दो लोगों को ग्रुप से कैटेगराइज करा था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। और दोनों ही जो लोग थे वो सेम एज ग्रुप के थे, सेम हेल्थ थी उन सबकी, और बॉडी फिजिक और वेट लगभग उनका सेम ही था। तो दो ग्रुप में बांटा गया था। और ये रिसर्च सच है, मैं मनगढ़ंत नहीं बोल रही हूँ, ये एक ट्रू रिसर्च है जो पुर्तगाल में हुई थी। सो दो ग्रुप बने थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों लोग आइडेंटिकल थे और दोनों ही ग्रुप के लोग काफ़ी ज़्यादा मोटे थे, और उनको एक स्ट्रिक्ट डाइट बताई गई थी जिसके अकॉर्डिंग उनको अपना वेट लूज करना था। और आप मानिए फ्रेंड्स कि इसमें से एक ग्रुप ने पिज़्ज़ा खाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप थे, और ग्रुप बी ने पिज़्ज़ा खाया था और उनकी डाइट थी 10,500 कैलोरीज पर वीक। तो बेसिकली इन दोनों ग्रुप में ग्रुप ए जो था वो अपनी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट रहा था और उन्होंने कोई भी अलग चीज़ नहीं खाई थी जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह, जबकि ग्रुप बी को अलाउ किया गया था कि वो पिज़्ज़ा या फिर कोई भी ऐसा जंक फूड जो चाहते हैं खाना वो खा सकते हैं, और उन्होंने खाया बट केवल एक दिन, संडे को, वीकेंड के एक दिन पे, डेली डेली नहीं बट ओनली ऑन द संडे। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप पतला हुआ होगा और कौन सा ग्रुप मतलब कोई मोटा हुआ होगा? क्या दोनों का वेट सेम लूज हुआ होगा, या फिर एक मोटा एक पतला, या फिर कोई भी पतला नहीं होता है? आपको क्या लगता है? तो ग्रुप बी ने तो पिज़्ज़ा खाया था वीकेंड से, जिसकी वजह से जो ग्रुप बी थे ना वो अपनी डाइट को फॉलो करना चाह रहा था, पर ग्रुप ए जो था उनका मन कर रहा था नई चीज़ें खाने का, पर वो नहीं खा पा रहे थे। तो इससे ये देखने में आया, जो ग्रुप बी के लोग थे उन्हें तो चीज़ें अलाउ करी गई, तो वो अपनी डाइट को फॉलो करना चाह रहे थे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो गए थे। तो ग्रुप ए ने तो जितना उनको वेट लूज़ करना था वो कर लिया। तो क्या आपको लगता है ग्रुप बी ने करा? जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप बी ने भी अच्छा खासा वेट लूज़ किया। ग्रुप ए और बी दोनों ने ही लगभग बराबर बराबर का वेट लूज़ किया था, दोनों की डाइट अलग हो। सो फ्रेंड्स, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पिज़्ज़ा आपके मोटे होने की वजह नहीं है, बल्कि पिज़्ज़ा खाना आपकी प्रॉब्लम है। हम लोग डेली डेली हर रोज़ खाने लगते हैं पिज़्ज़ा, बट आपको अपनी एक डाइट बनानी है, आपको एक चार्ट बनाना है अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, और वीकेंड पे, मंथली, जैसा भी आपका रूटीन हो, एक बार पिज़्ज़ा खा लो। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप डेली डेली पिज़्ज़ा खाओ, बट एक लिमिट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग, अपनी डाइट के अकॉर्डिंग खाओ, क्योंकि ना खाने से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे और ज़्यादा खाने से आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे। तो हर चीज़ को एक लिमिट में करें, जैसे कि ग्रुप बी ने किया था, वो हैप्पी भी रहे और उनकी डाइट भी मेंटेन रहेगी। तो आप भी अपना एक हेल्थ चार्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस के अकॉर्डिंग वीकली या मंथली एक दिन पिज़्ज़ा खाइए, और एक सही वे में पिज़्ज़ा खाइए। पिज़्ज़ा ही नहीं, जो भी और कोई फूड जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसे खाओ, ठीक है? तो डेली डेली मत खाना, वरना फिर आप सच में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, पर जो आपकी डाइट है ना उसके अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा खाओ, और इस तरीके से आप सच में पतले हो जाओगे। और इसी के साथ डेली एक्सरसाइज भी करें, और योगा, जिम, जो भी आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आप करिए। सो यही था सही तरीका पिज़्ज़ा खाने का। सच में पिज़्ज़ा आप खा सकते हो अगर आप पतला होना चाहते हो। पिज़्ज़ा छोड़ने से कोई पतला नहीं होता है, बट पिज़्ज़ा को सही तरीके से खाने से आप पतले ज़रूर हो सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखने मिला होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। एंड वीडियो अच्छी लगी ही है तो उसको लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको इससे पहले पता था या नहीं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।